नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। लालू यादव ने नीतीश कुमार को बताया अहंकारी, कहा तेजस्वी यादव ने विरोधियों की निकाली हवा। तमिलनाडु के 4 जिलों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने दी चेतावनी। जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल, बोले सीएम चंद्रशेखर राव। टेरर फंडिंग मामला में हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को मिली 10 से 12 साल जेल की सजा। चीन से तनाव के बीच एलएसी की निगहबानी में करेंगे 18,000 जवान, गृह राज्य मंत्री ने किया 7 नई आईटीबीपी बटालियनों का ऐलान। नवाब मलिक ने फिर फोड़ा लेटर बम, समीर वानखंडे पर लगाए संगीन आरोप। डाबा ने हटाया समलैंगिक जोड़े का करवा चौथ विज्ञापन, एमपी सरकार और लोगों ने जताई थी आपत्ति। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं को मिली उपलब्धि, सौर ऊर्जा संचालित हाइड्रोजन जनरेटर की नई सामग्री बनाई। भारत यूएस दिसंबर में करेंगे 2+2 वार्ता, 300 करोड़ डॉलर की ड्रोन डील पर ऐलान संभव। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी में 7 दिन में 10 ट्रैकर्स की मौत के बाद किन्नौर जिले में ट्रैकिंग पर लगा बैन। मिसाल कायम करेंगे, T20 मैच के बाद जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में छात्रों पर UAPA के तहत FIR दर्ज। अमित शाह ने पुलवामा के CRPF कैंप में बिताई रात, आतंकी हमले में शहीद 40 जवानों को दी श्रद्धांजलि। मंत्री आरके सिंह ने कहा, राज्यों में नहीं किया भुगतान तो दोबारा हो सकता है कोयला संकट। तेज प्रताप यादव बने कांग्रेस के दुलारे, पटना में पार्टी ने लगाए पोस्टर, लालू तेजस्वी को ऐसे दिया जवाब। बंगाल में चुनाववाद हिंसा, बांग्लादेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा का कारण। उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दीपावली से पहले मिलेगी सैलरी और बोनस के साथ बड़ा डीए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किए रामलला के दर्शन, कहा दिल्ली सीएम तीर्थयात्रा योजना में अब अयोध्या भी शामिल। मेरठ में जनसभा कर गुर्जरों को साधेंगे सीएम योगी, नवंबर के पहले सप्ताह में होगी बड़ी सभा। से बदलेगी गोरखपुर व देवरिया के 5 प्राचीन मंदिरों की सूरत, पर्यटन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। लखनऊ में पार्कों के सौंदर्यीकरण के ठेके पर भ्रष्टाचार, 15% कम दाम पर लिया ठेका, कमीशन देने का भी दावा।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, ऑफलाइन क्लास खोले जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, मांगे नहीं पूरी होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। लखनऊ में किरण गोस्वामी के सरेंडर की सूचना वायरल, फोन करने के बावजूद नहीं किया आत्मसमर्पण, देर रात तक पुलिस मीडिया ने किया इंतजार। मैनपुरी में चोरी करते चार चोर गिरफ्तार, शटरिंग का सामान चोरी करते वक्त हुई गिरफ्तारी। मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की अध्यक्षता में बैठक, विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई, उत्सव की तैयारियों में जुटे अधिकारी। मथुरा में जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से हड़कंप, जिला अस्पताल की सुविधाओं का जाना हाल। रायबरेली में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी मौजूद, जनता को स्वच्छ भारत बनाने की दिलाई शपथ। संबल में त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, एसडीएम व सीओ ने किया पटाखा गोदाम का निरीक्षण, औचक निरीक्षण से गोदाम स्वामियों में हड़कंप। संबल में बसपा प्रभारी का ग्रामवासियों ने किया स्वागत, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार ये रहेंगे मुख्य मुद्दे। सीतापुर में तीन दिन से लापता व्यक्ति का मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। फरीदाबाद में चलती कार में लगी आग, बल्लभगढ़ सोना फ्लाईओवर की घटना। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का शव, या एक पंखे से लटकता मिला युवती का शव, मृतकों के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आगरा में अरुण वाल्मीकि की मौत का मामला, नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, कर्मचारियों ने शहीद स्मारक तक निकाला कैंडल मार्च। आजमगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर, शादी से लौट रहे युवकों की पेड़ से टकराई बाइक, सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत। आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा, 27 को अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे अखिलेश यादव, मेधावी छात्रों को देंगे लैपटॉप। आजमगढ़ में बसपा नेता शंकर यादव ने सुनी जनता की समस्याएं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जाना हाल। बलिया में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, शाद कार्यक्रम में हो रहा बार बालाओं का डांस। मिर्जापुर में भरत मिलाप के मौके, शहर में जश्न, शहर में गूंजे भगवान राम के गीत। शाजापुर में जनपद बाढ़ के पानी से लोग परेशान, पानी पानी लोग कर रहे त्राही त्राही। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी के कार्यक्रम में पुलिस थी तैनात, आशा और संगनी को पुलिस ने रोका, सीएमओ कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। फतेहपुर में किसानों पर कहर बनकर टूटी बारिश, बारिश से किसानों की फसलें हुई जलमग्न। मिर्जापुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा पदयात्रा पहुंची मिर्जापुर, पदयात्रा पूर्व विधायक अजय राय मौजूद, भाजपा सरकार पर जमकर मंत्री अजय राय।
लखीमपुर खीरी में लापता युवक का मिला शव, नदी में उतराता मिला युवक का शव। रायबरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, बिल संशोधित करने की लगाई गुहार। शाजापुर में जनपद में चोरों का आतंक, लाखों रुपए की चोरी कर चोर मौके से फरार। एसजीपीजीआई में कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी आरटीपीसीआर जरूरी, बिना जांच नहीं मिल रही एंट्री। उत्तराखंड में सुंदर डूंगा घाटी से 5 ट्रैंक्रो का शव रेस्क्यू, चॉपर से काकपोट लेकर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड में आगे बढ़ेगी कांग्रेस की चुनावी मुहिम, टिहरी संसदीय क्षेत्र से शुरू होगी तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा। हरक हरीश के नए रिश्ते से गरमाई सियासत, इस चर्चा ने बढ़ाई उत्तराखंड के सियासी गलियारे में हलचल। देहरादून नगर निगम में ट्रैक्टर ट्रॉली की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, साठगांठ के खेल का ऐसे चला पता। मंत्री हरक और विधायक फतियाल के बयानों का भाजपा ने लिया संज्ञान, चुनाव से पहले किचकिच कर लगाई जाएगी लगाम। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस ने बाहरी नेताओं को उत्तराखंड में बनाया पर्यवेक्षक। आपदा के कारण उधम सिंह नगर जिले के 45,000 हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद। रुड़की में कार की साइड लगने पर पुलिसकर्मियों ने चालक को जमकर पीटा, हुआ हंगामा। बाजपुर में स्कूल में हो रहे सुंदरीकरण का काम, सुंदरीकरण के काम में की जा रही लीपापोती, काम को लेकर ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। चमोली में मलबे में दबे डुंगरी गांव के दो युवक, लापता युवकों को ढूंढने का काम जारी, राहत और बचाव कार्य में लगी टीमें। नैनीताल के गांवों पर बारिश की मार, मुख्य सड़क को जोड़ने वाले पुल सड़कें टूटी। ऋषिकेश में गरीब छात्रों को नहीं मिल रही सुविधा, छात्रों के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत। नाव चालकों के व्यापार पर बारिश की मार, 58 नैनीताल नाव चालकों के व्यापार पर बारिश की मार, पानी भरने से झील में डूब गई बोट। उत्तराखंड आपदा पर हरीश रावत का बड़ा बयान, 36 घंटे सोते रहे सीएम धामी, चेतावनी पर नहीं लिया एक्शन। अल्मोड़ा में आपदा पीड़ितों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। चीन और तालिबान के बीच दोहे में बैठक, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, गर्म करने के रास्ते से हट गई दुनिया।
में नए कोविड 19 मामलों से बड़ी चिंता, पर्यटक स्थलों को बंद करने का लिया गया फैसला। दुनिया का सबसे खूंखार ड्रग तस्कर यूसी को गिरफ्तार, 43 करोड़ का था इनाम, राष्ट्रपति ने दी गिरफ्तारी की जानकारी। बलूचिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल, मुख्यमंत्री के बाद असेंबली स्पीकर ने भी दिया इस्तीफा। चरमपंथियों के आगे इमरान का सरेंडर, टीएलपी के 350 से अधिक कार्यकर्ताओं को छोड़ा, मुकदमे वापस लेने का ऐलान। सूडान में सैन्य तख्तापलट के बाद भारी बवाल, प्रदर्शनकारी भीड़ पर गोलीबारी में 3 की मौत, जाने ताजा अपडेट। रूस ने नए साइबर जासूसी अभियान के जरिए दी बाइडेन को चुनौती, अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगाए थे प्रतिबंध। फेसबुक समेत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑस्ट्रेलिया लगाएगा कानूनी लगाम, बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति होगी अनिवार्य। अफगानिस्तान में और बिगड़े हालात, तालिबान सरकार ने लोगों को श्रम के बदले गेहूं देने का किया ऐलान। दूरसंचार कंपनियों की मुश्किल होगी दूर, सरकार ने नियमों में दी थी। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर सरकार का सख्त कदम, यूपी ने अधिसूचित की भंडारण सीमा, कई राज्य प्रक्रिया के अंतिम चरण में। टीवीएस मोटर ने इराक में कारोबार बढ़ाने के लिए बाहबान इंटरनेशनल के साथ समझौता किया। एयर इंडिया का सौदा हुआ पक्का, डीआईपीएम ने बताया 18,000 करोड़ रुपए की डील पर हुए हस्ताक्षर। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूटिव लाउंज का किया शुभारंभ। एचडीएफसी बैंक का खास दिवाली ऑफर, एचडीएफसी बैंक से फेस्टिव सीजन में करो हर दिल को रोशन थीम की लॉन्च। हीरो साइकिल्स भी लाएगी आईपीओ, पंकज मुंजाल ने शेयर किया कंपनी का एक्सटेंशन प्लान। एलन मस्क की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी, सिर्फ एक दिन में कमाए रिकॉर्ड 2.71 लाख करोड़ रुपया। टेक महिंद्रा का मुनाफा 26% बढ़ा, शेयरधारकों को हर शेयर पर देगी 15 रुपए का स्पेशल डिविडेंड। विज्ञापन रोकने वाले फीचर से फेसबुक को नुकसान, प्रोडक्ट पेज पर 80% ट्रैफिक कम हुआ। एक हार का मतलब भारतीय टीम का टूर्नामेंट से बाहर होना नहीं, सुनील गावस्कर ने बताया वापसी का मंत्र। अफगानिस्तान का T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड पर धमाकेदार जीत से आगाज, बना डाले कई रिकॉर्ड। भारत की करारी हार के बाद एमएस धोनी का वीडियो हुआ वायरल, कहा था पाकिस्तान से भारतीय टीम हारेगी तो जरूर।
मोहम्मद शमी पर पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद हुआ ऑनलाइन अटैक, सहवाग ने किया बचाव। शाकिब अल हसन टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के बेस्ट ऑलराउंडर बने, दो बार के चैंपियन को पछाड़ा। पाकिस्तान से हार के बाद टीम इंडिया में होंगे बड़े बदलाव, चार खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता। टीम इंडिया में मची खलबली, चीफ सेलेक्टर टीम इंडिया के प्रदर्शन से नाराज, पाकिस्तान ने भारत को रन नहीं बनाने दिए। ऋषभ पंत की जगह पर लटकी तलवार, ईशान किशन बन सकते हैं विकेट कीपर। मोहम्मद शमी के सपोर्ट में तेंदुलकर और राहुल गांधी लाला पर जमकर बरसाए प्यार। न्यूजीलैंड के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती का कटेगा पट्टा, विराट कोहली को किया है मायूस। सीमा पाहवा की ये मर्द बेचारा, 19 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के दिन दर्शकों के बीच आएगी ये फिल्म। राजकुमार राव की भीड़ में नजर आएंगी भूमि पेंडेकर, सामाजिक मुद्दों पर आधारित है ये फिल्म। सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हो गया, 26 नवंबर को थिएटर में ये फिल्म होगी रिलीज। अनन्या पांडे से पूछताछ के बीच मुंबई में शूट हुआ लाइगर फिल्म का गाना, विजय देवरकोंडा ने अकेले की शूटिंग। छछोरे ने जीता बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड, साजिद नाडियावाला ने अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को किया समर्पित। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की अगली फिल्म सत्यमेव जयते 2 अगले महीने 25 नवंबर को होगी रिलीज, जॉन फिल्म में ट्रिपल रोल में आएंगे नजर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दी शाहरुख खान को सलाह, बोले आर्यन को 1-2 महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेजो। मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बता दें कंगना ने पहला नेशनल अवार्ड फिल्म फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए 2008 में जीता था। ₹1.36 करोड़ की ठगी केस में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा को मिली राहत। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।